हेलो एवरीवन, हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं जीआईटी का, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन्स में क्या क्या अंतर है, खासकर जीआईटी में. ठीक है, तो सबसे पहली मेडिसिन है ग्रेफाइट. ओके, ग्रेफाइट. हम लोग थोड़ा सा अलग तरह से याद करने वाले हैं चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट करने से याद है ना, याद करना है हम लोगों को. मेन एम रहेगा, हम लोगों को याद करना है कैसी भी याद हो. ठीक है, तो ग्रेफाइट है. तो ग्रेफाइट के लिए जो ग्रेफाइट होता है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, पेंसिल में होता है. तो ये वो वाली पेंसिल है जो मैकेनिकल पेंसिल आती है ना, जिसमें लिड्स डली रहती हैं. ठीक, तो उससे याद रहेगा. अब ग्रेफाइट का पहले तो हम पढ़ लेते हैं क्या होता है. डायरिया स्टूल जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं, फ्लूड होता है, मिक्स्ड विद अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है उनमें, और सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से होता है. जब इरप्शंस सप्रेस हो जाते हैं तब ये डायरिया स्टार्ट होता है. तो मैं ऐसे यहाँ पर एक वो बना देता हूँ बटन, और ये सप्रेस प्रेस करने से डायरिया चालू हो जाएगा. ठीक है, ऐसे याद करते हैं. ठीक है, सप्रेस्ड इरप्शंस. कुछ ना कुछ तो हम लोग बनाएंगे जिससे याद रहे. सप्रेस इरप्शंस की वजह से डायरिया होता है. तो डायरिया क्या है, वो लिड लिड जो होती है ना, वही डायरिया है इसका. ठीक है, तो डायरिया कैसा होता है, डायरिया ब्राउन होता है और फ्लूड मिक्स्ड होता है, फ्लूड होता है इसमें, और कुछ कुछ पॉइंट रखेंगे बाकी. और इसमें ऑर्डर भी आ रहा है. ठीक है, ये ऑर्डर भी है इसमें, ये ऑर्डर है. अभी पेंसिल से ही सारे हम सिम्टम्स जोड़ेंगे वो बात की बात है, लेकिन जब तक कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इसी में अगर दूसरा कंपैरिजन करेंगे तो इसी में जोड़ेंगे सारा. ठीक है, सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से डायरिया स्टार्ट हो जाता है. स्टूल कैसे होते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिप, और इसमें दूसरी चीज़ क्या है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन. एक तो है इसमें डायरिया और एक है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस. कॉन्स्टिपेशंस कैसे होते हैं, स्टूल कैसा होता है उनका, स्टूल होता है बहुत ज़्यादा हार्ड. तो हार्ड और स्टूल लार्ज होते हैं. ठीक है, तो यही है, स्टूल लार्ज भी है और हार्ड भी है, लार्ज एंड हार्ड. और साथ में जब स्टूल होगा तो वो म्यूकस थ्रेड्स में बंधा होगा. ठीक है, तो ये इसका नेचर होता है, क्या है, म्यूकस थ्रेड्स में बंधा होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं. म्यूकस थ्रेड्स में बंधा रहता है, टू लार्ज होते हैं इसके स्टूल सल्फर की तरह, और एनस में एक स्मार्टिंग सोर पेन होता है. ठीक, आफ्टर स्टूल. तो स्टूल के बाद क्या होता है, आफ्टर स्टूल सोर पेन होता है. हम लोग सभी मेडिसिन से कंपेयर करेंगे, भी सोर पेन भी होता है. तो दो चीज़ें हैं, ये इमेज याद आ जाएगी तो तुरंत पता चल जाएगा कि ग्रेफाइट में क्या था. ठीक है ना, लार्ज हार्ड स्टूल है, जब वो पास आउट होंगे तो एनस में पेन होता है, आफ्टर स्टूल खासकर. और डायरिया कैसा होता है, ऑर्डर के साथ में होता है, ब्राउन फ्लूड मिक्स्ड होता है, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस मिले होते हैं इसमें. नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है, हेमामिलिस. ओके, हेमामिलिस का बहुत अच्छे से याद रहता है. देखते हैं पहले इसका सेट हो जाए एक बार. ओके, हेमामिलिस, इसको यही बोलते हैं ना, हेमामिलिस मेलिस, इसको मैंने याद कर रखा है हेमा मालिनी से, है ना. और इसके सारे सिम्टम्स वैसे याद हैं, और इसका कॉमन नेम भी अजीब है, विच हैजल. इससे भी याद रख सकते हो, विच जो है वो क्या कर रही है, एक तांगा है उसको चला रही है. ठीक है, ये उसका घोड़ा है और ये लगाम है. ओके, कार्ट मैं बना नहीं पाऊँगा बहुत अच्छा, लेकिन ठीक है, जैसा तैसा बना दूँगा. और यहाँ पर ये लेडी गागा बैठी हुई है. ठीक है, खासकर वो आप लोगों ने शोले वाली पिक्चर देखी होगी जिसमें हेमा मालिनी होती है. ठीक है ना, तो बहुत क्यूट तो नहीं है लेकिन काम चला हुआ है. ठीक है यार, काम चल जाएगा अपना. ये घोड़ा है अपना, इसकी ऐसी चोच क्या है. ठीक है, तो इसमें वैसे इसमें एक सिम्टम भी है ना, राइडिंग की वजह से, अगर गिरने की वजह से अगर हिमरेज हो गया हो, ब्लीडिंग हो रही हो. ठीक है, गिरने के बाद आफ्टर ए फॉल, और रफ राइडिंग, रफ राइडिंग के बाद, गिरने के बाद अगर हिमरेज हो रहा हो. इसका हेमामिलिस का एक सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट है कि हिमरेज होता है, प्रोफिस डार्क कलर के, डार्क कलर का ब्लड आता है. ठीक है ना, तो खासकर कब आता है, राइडिंग के बाद. तो इसमें ये है, राइडिंग कर रही है ये. और इसका जीआईटी का क्या है कि हेमरॉइड्स हैं. क्या प्रॉब्लम है, हेमरॉइड्स, हेमा वाली को हेमरॉइड्स हैं. क्या याद रखना है हमें, हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स हैं, पाइल्स है, और ये इससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लीड प्रोफ्यूसली. ठीक है, ब्लीड प्रोफ्यूसली,
प्रोफ्यूजली, और इसमें मैं ऐसे याद रखता हूँ, हेमोराइड्स इनके 4B के साथ में आते हैं, 4 नहीं एक्चुअली 5B। 5B में क्या है, 5B में है, और दूसरा कलर ले लेते हैं रेड, ओके रेड चलेगा, या ओके ग्रीन। सो 5B में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हमें, पहला तो ब्लीडिंग हो रही है और बर्निंग हो रही है, और बैक एक है, बैक वुड ब्रेक, ऐसा लगता है कि कमर टूट रही है, और ब्लूइश कलर है, और ब्लड लॉस्ट होने की वजह से, ब्लड लॉस्ट होने की वजह से आफ्टर हिमरेज फ्रॉम पाइल्स में जब ब्लड लॉस्ट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टेशन, थकान बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो हेमामेलिस में हेमा मालिनी है और उनको हिमरॉइड्स हैं। बहुत अच्छा है, ये दिमाग में तुरंत चढ़ेगा, हिमरॉइड्स किसको हैं, हेमा मालिनी को है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से उनको पूरा थकान हो रही है। ठीक है, तो वो शोले वाली पिक्चर याद रखना जिसमें वो तांगा चलाती हैं, और वो उसमें फिर सारे सिम्टम्स जोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम लोग इतना ही जोड़ेंगे। ठीक है ना, आफ्टर हिमरेज फ्रॉम पाइल्स, प्रोस्टेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ब्लड लॉस्ट की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है। बर्निंग किसके साथ में होती है, कुछ और सिम्टम्स हैं जो ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पर, सोरनेस है और फुलनेस है और हैवीनेस है। ठीक है, सोरनेस, फुलनेस और हैवीनेस, और ऐसा लगता है कि कमर टूट जाएगी, और बहुत ज़्यादा अर्जिंग भी होती है स्टूल की। ठीक है, तो अर्जिंग भी है इसमें, एक और सिम्टम अर्जिंग। ठीक है, अर्जिंग टू स्टूल, जबकि जो हम पहले कंपेयर कर रहे थे ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में क्या था, ग्रेफाइट में एक तो डायरिया है और दूसरा वो भी सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से है। ठीक है, वो अभी याद रहेगा, सप्रेस्ड इरप्शंस, बार बार उसको याद करिएगा, जो जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं ना तो उसको बार बार, एक बार इमेज बैठ जाएगी ना दिमाग में तो तुरंत फ़ौरन याद आएगा। ठीक है ना, तो एक तो वो चीज़ हो गई कि डायरिया हो रहा है, और जो स्टूल्स हैं वो म्यूकस थ्रेड्स में बंधे हुए हैं, और उसके बाद उसमें एनस में पेन हो रहा है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेडिसिन है हेलेबोरस नाइगर, हेलेबोरस, इसका भी बड़ा मज़ेदार है। हेलेबोरस का कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम भी याद हो जाएंगे इसी तरह से, क्रिसमस रोज, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा एलेंस की नोट को, सारे सिम्टम्स हम एलेंस की नोट से ले रहे हैं। हेलेबोरस, हेलेबोरस में क्रिसमस रोज़, एक्चुअली इसमें क्या था कि एक लड़का था और वो लड़की को प्रपोज़ करने गया क्रिसमस के दिन, उसने रोज़ दिखाया, लड़की ने मार लगा दी, उसका सर फोड़ दिया। सारे सिम्टम्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसके हाइड्रोकेफलस की वजह से, हेड की वजह से सारे सिम्टम्स हैं, लगभग लगभग सभी सिम्टम्स हैं। अभी GIT में क्या होगा, GIT में भी इसका जो सिम्टम रहेगा वो डायरिया है, सिर्फ डायरिया है। ठीक है, ऊपर हम ग्रेफाइट में डायरिया पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट मेडिसिन में नहीं पढ़ा है, हेमामेलिस में सिर्फ हेमोराइड्स हैं, फिर अभी हेलेबोरस में डायरिया देख रहे हैं। तो हेलेबोरस में डायरिया जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, तो उसका रीज़न है, हाइड्रोकेफेलस, और हाइड्रोकेफेलस कब हुआ, जब उसको मारा गया और उसके दांत भी टूट गए। ठीक है, मारा ना तो दांत भी चले गए, एक्चुअली इसमें जब बच्चों में टीथिंग वगैरह होती है तब होता है डायरिया, फैक्ट हम लोगों को आने चाहिए और हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि टीथिंग की तरह डेंटिशन के समय इसको प्रॉब्लम होती है, और प्रेगनेंसी में भी होती है, तो प्रेगनेंसी वाला फैक्टर अलग रखते हैं हम लोग, ये दो तो हमें याद रहेंगे कि उसकी पिटाई लगी, उसके हेड में क्या हो गया, फ्लूड इकट्ठा हो गया, हाइड्रोकेफलस हो गया, और उसके टीथिंग जब हो रही है, डेंटिशन जब हो रहा है, तब उसको डायरिया हो रहे हैं। डायरिया कैसे हो रहे हैं, वाटरी हैं, क्लियर हैं, टेनेसियस हैं, और कलरलेस म्यूकस के साथ में। और इसमें एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरिया इसके जेली लाइक म्यूकस किस तरह होते हैं, जैसे फ्रॉग स्पॉन्ज जो होता है ना, तो उनका अंडे होते हैं वो एक जेली लाइक कवरिंग में कवर होते हैं वैसे। तो कैसे याद रहेगा जेली, कैसे याद रहेगा, जेली का कोई देना नहीं है जेली का, लेकिन याद रख सकते हैं, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं कि क्रिसमस डे पर तो बड़ी अलग अलग तरह की जेली, क्या जेली
की टॉफियां आती हैं, ऐसे कर सकते हैं याद। कैसे भी याद रहना चाहिए, मेन फंडा हमारा याद करना है, ठीक है। जेली लाइक स्टूल है, जेली लाइक म्यूकस होता है, ठीक है। जेली लाइक म्यूकस में बंधे होते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा या पूछा जाएगा तो हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कौन सी रेमेडी थी, हेलेबुरस थी, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है, नेक्स्ट मेडिसिन है हिप्परसल्फ। हिप्परसल्फ को मैं हिप्पो से याद रखता हूँ, किससे याद रखता हूँ, हिप्पो से, हिप्परसल्फ। हिप्पो, हिप्पो का तो हिप्पो कैसा रहता है, बहुत बेकार बनाऊंगा पता है मुझे, लेकिन बस ठीक है, याद रखने के लिए है। वाह वाह, मैंने तो बना लिया। हिप्पो, ये लो सारा हिप्पो, हिप्परसेल्फ, ये क्या है, हिप्पो है। इसका कोई कॉमन नेम है नहीं खासकर, तो हमने हिप्पो रख दिया था। अब हिप्पो का तुम्हें पता होगा कि पूरा कवर्ड रहता है, तो देखोगे इसमें सिम्टम जो होंगे वो कवर्ड मिलेंगे। एक्सट्रीमली सेंसिटिव है कोल्ड एयर के लिए, इसलिए उसने एक मोटी खाल है इसकी, ठीक है ना। और हॉट वेदर में भी ये क्या करता है, अपने आप को कवर रखता है। एक तो ये सिम्टम याद हो जाएगा। इसका डायरिया देखो, इसका सॉरी जीआईटी देखते हैं। जीआईटी है भी कैसा, इसमें डायरिया ही है, मेन तो डायरिया ही है इसका, तो इसमें भी डायरिया है, ठीक है। तो हमने कहाँ कहाँ डायरिया देख लिया है, एक तो पहली मेडिसिन में देखा है, ग्रेफाइट में, फिर हेलिबोरस में देखा, हेलिबोरस में मार पड़ी इसी वजह से था, और ग्रेफाइट में वो सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से था। इसमें जो डायरिया हो रहा है उसमें एक तो फंडा है कि सोर स्मेल है, ठीक है, और दूसरा क्ले कलर्ड की स्टूल है। तो ये तो बड़ा आसान है, याद हो जाएगा कि हिप्पो जो है वो क्ले कलर के स्टूल करता है, अभी याद रहेगा ये, क्ले कलर्ड जैसी है ना तो हिप्पो। अच्छा, क्ले कलर्ड में और कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आती हैं। हाँ, एक तो है हमारी कैल्केरिया, कैल्केरिया और पोडोफाइलम। पोडोफाइलम को मैं कैसे याद रखता हूँ, पैदा होते ही जो बच्चा है वो कैसे स्टूल कर रहा है, क्ले कलर के स्टूल कर रहा है, ठीक है। क्ले कलर्ड, कैल्केरिया और पोडोफाइलम, पोडोफाइलम पैदा होते ही। पोडोफाइलम में जो सिम्टम्स होते हैं वो चिल्ड्रन के आते हैं और मदर के आते हैं, लगभग लगभग उन्हीं के हैं, ठीक है। चलो इसकी बात बाद में करेंगे हम लोग, अभी डायरिया जो बच्चों में हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सोर हो रहा है और क्ले कलर्ड के स्टूल हो रहे हैं, ठीक। इग्नेशिया अमारा, हाँ ये बड़ा मज़ेदार है, चलो इसको देखते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। इग्नेशिया, इग्नेशिया अमारा का मैंने कैसे याद कर रखा है, इसको मैंने याद कर रखा है अमरावती से, कोई कुछ खास वर्णन नहीं था, तो ये एक लेडी है, अमरावती है ये, और इसका कॉमन नेम जो है वो बीन है, कोई बीन है, एक एक इग्नेशियस बीन, इग्नेशियस बीन है, लॉगनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो ये अमरावती जी, ये याद हो जाएगी, देखना बड़ा मज़ेदार है। ये बहुत ज़्यादा खाती हैं, पहली बात तो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा खाने की शौकीन है, बिग एम्पिटी फीलिंग होती है स्टमक में, एम्पिटी फीलिंग रहती है इनके स्टमक में, और वो खाने से जाती नहीं है, वो एक खालीपन रहता है इनको, वो खाती रहती हैं, खाती रहती हैं, भुक्कड़ है ये, ठीक है, एम्पिटी फीलिंग होती है। और ये जो है इनमें, अभी हिमरेड्स एक जगह देख चुके हैं ना हम लोग हेमाबिलिस में, अभी इसमें आएगा, ठीक है। तो क्या क्या इसमें सिम्टम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है और प्रोलेप्स है और हिमरेड्स है, तीन चीज़ें हैं। कॉन्स्टिपेशन जो होती है, क्योंकि वो जो हम लोग हेमामेलिस देख रहे थे उसमें भी क्या था कि राइडिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें भी कैरेज राइडिंग की वजह से है। किसकी वजह से प्रॉब्लम है, कैरेज राइडिंग की वजह से, ठीक है, कैरेज राइडिंग है इसमें और पैरालिसिस है, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम है, और एक्सेसिव अर्जिंग भी होती है। उसमें भी हम लोग सेम सिम्टम देख रहे थे, अर्जिंग उसमें भी थी, तो अर्जिंग भी है इसमें, सेम है हेमामेलिस, ये अमरावती उसकी फ्रेंड है, ठीक है, हेमामेलिस की, तभी तो सेम सेम सिम्टम्स हैं, हल्के हल्के से अंतर है लेकिन ठीक है। और ये अर्जिंग कहाँ फेल्ट होती है, अपर एब्डोमन में होती है, ठीक है, अपर एब्डोमन में इनको अर्जिंग फेल्ट होती है, और एक्सेसिव कैरेज राइडिंग की वजह से हो रही है, पैरालिसिस की वजह से हो रही है, और ये कॉफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है अमरावती की, कि ये पहले तो कॉन्ट्रडिक्शन की शिकार है और इनकी कॉफ़ी की लत है, कॉफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये कैरेज में बैठी हुई है और मस्त कॉफ़ी पी रही है,
और कॉफ़ी की वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक है, इनको राइड करना पसंद है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये साथ में चाय पीती रहती है। ठीक है, तो इग्नेशिया का तुरंत यार इग्नाइट तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना, कि कैरेज राइडिंग से कॉफ़ी से इनको प्रॉब्लम है। ठीक, प्रोलैप्स हो जाता है जैसे। और हाँ, इनका काम क्या है, ये भारी सामान उठाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये तो याद रहना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना कि इनका काम क्या है, भारी सामान को उठाना, हैवी लिफ्टिंग करती हैं ये। हैवी लिफ्टिंग ही याद कर लो, ज़्यादा बेटर है, हैवी लिफ्टिंग करती हैं, इसी वजह से प्रोलैप्स हो जाता है। मतलब क्योंकि वीक मसल्स हैं तो प्रोलैप्स हो जाता है, और इनका स्टूल जब लूज़ होता है तब भी प्रोलैप्स होता है। ठीक है, स्टूपिंग और लिफ्टिंग की वजह से प्रोलैप्स हो जाता है, मॉडरेट स्ट्रेनिंग भी होगी तब भी प्रोलैप्स हो जाता है। और हिमरॉइड्स का नेचर कैसा होता है, हर स्टूल के साथ प्रोलैप्स विद एवरी स्टूल, हिमरॉइड्स प्रोलैप्स विद एवरी स्टूल, हर स्टूल के साथ में हिमरॉइड्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर अंदर भी चले जाते हैं। शार्प स्टिचिंग शूटिंग पेन होता है रेक्टम में, ऊपर की तरफ पेन जाता है, इसका एक सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टम में ऊपर पेन जाता है। ठीक है, स्टिचेस शूट्स अप द रेक्टम, स्टिचेस है खिंचाव, शार्प स्टिच होता है जो कि रेक्टम में ऊपर जाता है, और ये कई घंटों तक रहता है, स्टूल के कई घंटों तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। ऐसा ही सिम्टम जब स्टूल करने के बाद पेन हो रहा था, किस में हो रहा था, ग्रेफाइट में हो रहा था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अलग है। क्या क्या याद रखना है अमरावती में, हमें कैरेज राइडिंग याद रखनी है, इनको घूमना फिरना पसंद है, तो मैं बना देता हूँ। एक तो क्या है, ठीक है, फटाफट बनाते हैं, और ये हो गई हमारी तैयार गाड़ी, और इसमें हमने बैठा दिया है अमरावती को, और ये घूमने, और ये बगल में कॉफ़ी भी रखे हुए हैं, और कॉफ़ी की चुस्की लगाती जा रही है। ठीक है, लेकिन इनको दिक्कत क्या है, प्रोलैप्स की भी है और हिमरॉइड्स की भी दिक्कत है। ठीक है, प्रोलैप्स जो होता है, हाँ, इनका काम क्या है, इनका काम याद रखना हैवी लिफ्टिंग, तो हैवी लिफ्टिंग जब भी करती हैं तब भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो भारी सामान जो लोग उठा रहे हैं, हमें तो सिम्टम याद रखना है, कोई भी एक अगर ऐसी फीमेल है जो भारी सामान उठाती है और उसको प्रोलैप्स होता है, हिमरॉइड्स होते हैं, तो फ़ौरन याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद, ऐसा स्टिचेस शूटिंग पेन रेक्टम में ऊपर और किस में जाता है, नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इसका भी याद रख लो, इसका बनाएंगे नाइट्रिक एसिड का, क्यों नहीं। इसके बाद नेक्स्ट रेमेडी है आयोडियम, आयोडियम भी बड़ा मज़ेदार, आयोडियम का कुछ बनाया नहीं है मैंने, वैसे ही याद हो जाएगा। आयोडियम एक्चुअली क्योंकि थायराइड्स ग्लैंड से रिलेटेड है, और हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म है, हाइपो थायरॉयडिज्म दोनों में ही दे सकते हैं, दोनों में ही दिया जाता है इसको। बहुत ज़्यादा खासकर हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम ज़्यादा हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जितना खाएगा उतना ही, आयोडियम बहुत ज़्यादा भुक्कड़ है, भुक्कड़ में आयोडियम आता है, और ऊपर किसी को भूख लग रही थी, हाँ अमरावती जी को लगती है, पिटी फीलिंग होती है, इसलिए वो उनकी खाने से जाती नहीं है, बस इतना याद रखो। बाकी ये भुक्कड़ सबसे ज़्यादा है ना, ईटिंग से रिलीफ मिलता है, जितना ज़्यादा खाएगा उतने सिम्टम्स में आराम मिलेगा। ठीक है, एक तो चीज़ ये याद रहेगी, ये याद रखनी है हमें। दूसरा आयोडियम का क्या याद रखना है कि जो भी ये खाता है, और इसका सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी खाता है, एवरी फूड टर्नड इंटू गैसेस, सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मैंने कुछ बनाया नहीं है, और ये जादू टोना हो रहा है यहाँ पर, खाएगा जो भी कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, मॉर्निंग में और रात में इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी रिपिटेशंस होते हैं। ठीक है, ईटिंग है और एम्प्टी, तो मैं सारा ई से जोड़ देता हूँ, इसमें क्या है, कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, थ्री ईज। ठीक है, एक तो ईटिंग से सारी समस्याएं कम हो रही हैं, एवरी फूड टर्न इन टू गैसेस, और इरेक्टेशंस, इरेक्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा, इरेक्टेशंस हैं, एम्प्टी इरेक्टेशंस होते हैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक, अगर खाली इरेक्टेशंस हो रहे हैं किसी को, रात में हो रहे हैं, दिन में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके बारे में सोचना। आयोडियम का कॉन्स्टिपेशन जो है वो मिल्क से, तो आयोडियम का पेशेंट क्या पीता है, दूध पीता है, दूध पीता है, ये इसका स्पेशल सिम्टम है, तो मिल्क याद रखना, मिल्क से कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, और कॉन्स्टिपेशन में इनफेक्चुअल अर्जिंग हो रही हो ना, तब तब भी रिलीफ मिलेगा। अर्जिंग और किस में हो रही थी, अर्जिंग इसमें हो रही है अपर एब्डोमन में, खासकर कहाँ हो रही थी, अपर एब्डोमन में, इसका याद रखना। इनका ये यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ अपर एब्डोमन जो है, सही बनाए क्या, थोड़ा सा सही करते हैं अपन लोग, थोड़ा सा सही कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर, ये एब्डोमन है,
और अपर एब्डोमेन में इनको अर्जिंग होती है। फैट कहाँ हो रही है? किसी किसी को रेक्टम में होती है, लोअर लोअर रीजन में होती है, किसी किसी को ऊपर रीजन में हो रही है। तो ये थोड़ा सा अलग ही है। हेमामिलिस जो है, सॉरी अमरावती जी ये जो है इग्नेशिया अमरावती, कितना बेकार बनाया है लेकिन फिर भी मुझे तो याद रहता है और आप लोगों को भी आई होप याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन है एपिकाक, एपिकाक एपिक आपको जो भी बोलते हो आप लोग, एपी काक। हाँ इसका भी बढ़िया है, इसको मैं केक केक से याद रखता हूँ। ये थोड़ी सी बड़ा है लेकिन फिर भी याद हो जाता है। इसको कैसे याद रखते हैं, केक, इसका बड़ा मज़ेदार है। ठीक है तो इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक, पहले मैं पढ़ देता हूँ सिम्टम्स क्या है। गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट होते हैं एपिकाक में। टंग क्लीन रहती है, साफ़ सुथरी है, स्लाइटली कोटेड भी हो सकती है। नौसिया बहुत ज़्यादा होता है, प्रोफ्यूज सलाइवा के साथ में उल्टियाँ होती हैं, वाइट क्लियरिंग म्यूकस आता है, लार्ज क्वान्टिटी में कोई आराम नहीं मिलता है। ठीक है स्लीप, सोने के बाद मतलब इसके बाद सो जाता है, नींद आती है और इसकी जो समस्याएं हैं वो स्टूपिंग से बढ़ जाती हैं और प्राइमरी इफेक्ट होता है तवैको का और प्रेगनेंसी का। ओके तो कैसे याद रखेंगे हम?